ये कि वो मैदान कयामत में पैगंबर इस्लाम के लिए सबब फख्र बने, वो पैगंबर इस्लाम का मददगार बने। इस तरह से तनाकहु व तनासलु नफ्सु, पैगंबर इस्लाम की वो हदीस जो हर निकाह के खुतबे में आप सुनते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, मैदान कयामत में अंबिया के दरमियान एक ये मुकाबला भी होगा कि किसके उम्मती ज्यादा हैं, किसका कलमा पढ़ने वाले ज्यादा हैं। तो निकाह करो, नस्ल को बढ़ाओ, तब शुरू जितनी कसरत कर सकते हो करो। फइन्नी उबाही बेकुमुल उममा, मैं मैदान कयामत में तुम्हारी मदद से, अपने मानने वालों की मदद से बाकी तमाम अंबिया की उम्मत के सामने फख्र करूंगा। वलाओ बिस्से, यहाँ तक के अगर मोमिन माँ बाप का बच्चा और दुनिया में आ भी न सका, माँ के पेट ही में स्थापित हो गया, बाद औकात किसी मजबूरी या वजह से, किसी नफ्स की वजह से, किसी तबी मसले की वजह से पैदाइश से पहले ही बच्चे का इंतकाल हो जाता, शरण इस खाते हमल तो जायज नहीं, लेकिन अगर कुदरती तौर पर यह अमल वाक हो गया तो पैगंबर फरमा रहे कि बहरहाल मोमिन बाप का बच्चा है, मोमिना माँ का बच्चा है, ये भी मैदान कयामत में एक आम मोमिन की तरह आएगा और मेरा कलमा पढ़ने वालों की लाइन में खड़ा होगा। मैं कहूंगा ऐ आदम, ऐ नूह, ऐ इब्राहिम, ऐ मूसा, ऐ ईसा, जरा देखो ये है मेरे मानने वाले, ये है मेरा कलमा पढ़ने वाले, कितनी कसीर तादाद है जो मेरी सच्चाई पे ईमान लाई। पैगंबर आपसे मदद तलब कर रहे हैं मैदान कयामत में, अपने वक्त और मुबाहात के लिए दूसरे अंबिया के साथ।